Assalamu alaikum. Chapter number 5, cell cycle. Write detailed answers of the following questions. हमें डिटेल आंसर्स लिखने हैं, उसमें हम लोगों को माइटोसिस के स्टेजेस समझाने हैं एंड सेकंड पार्ट में स्टेजेस ऑफ म्यूसिस वन हमें समझाना है और दोनों सवाल में हमें डायग्राम्स भी ड्रॉ करने हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस विद सूटेबल डायग्राम्स. डायग्राम के मदद से हमें माइटोसिस को एक्सप्लेन करना है. सो दिस इज डायग्राम दैट यू हैव टू ड्रॉ विद इट. नंबर 1, स्टेजेस इंटरफेस. इंटरफेस के अंदर क्या होता है, दैट क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है, मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में उलझे हुए होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो रिप्लिकेट होता है. रिप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट उसके बन रहे होते हैं, यानी कॉपीज उसके बन रहे होते हैं. फिर प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रोसोम आता है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स की जो कनेक्ट कर रहे होते हैं क्रोमेटिन स्ट्रिप्स को, साथ में जो पॉइंट कनेक्ट कर रहे होते हैं दो क्रोमेटिड्स को ताकि क्रोमोसोम्स बन सकें, वो क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो सुलझ जाता है, अलग अलग क्रोमोसोम्स की शक्ल में हमें नज़र आ रहा होता है. जो न्यूक्लियर एनवलप होता है वो गायब हो जाता है. फिर मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं वो क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल में, यानी कि सेल के बीच में, वो उसको वहाँ पे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं. एंड देन एनाफेज के अंदर क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स में खींचना शुरू कर देते हैं. देन टेलोफेज के अंदर आप पास दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं. यानी आप इसमें देख सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर हमारे पास जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो उलझे हुए हैं, लेकिन हमारा जो डीएनए के अंदर जो मौजूद है वो उसको रिप्लिकेट कर रहा होता है. तो प्रोफेज में क्या होता है कि जो डीएनए है हमारा, जो क्रोमोसोम से हमारा, वो सुलझ जाते हैं और जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो सुलझ के अलग अलग क्रोमोसोम की शक्ल में हमें दिख रहा होता है. फिर सेंट्रोमेयर बन जाते हैं, यानी दो क्रोमेटिड्स आपस में कंबाइन होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, लेकिन वाइट में जैसे आपका बॉल्स दिख रहा है तो वो जो है ये सर्कल दिख रहा है वो बेसिकली सेंट्रोमेयर है जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में कनेक्ट करता है. फिर स्पिंडल फाइबर्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं जो क्रोमोसोम्स को बिल्कुल सेल के बीच में, यानी इक्वेटोरियल प्लेन में कलेक्ट करते हैं. एंड एनाफेज के अंदर स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को दोनों अपोजिट पोल्स में खींचना शुरू कर देते हैं. एंड टेलोफेज में आपके पास आखिर में दो सेपरेट डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्क्राइब स्टेजेस ऑफ म्यूसिस 1 विद सूटेबल डायग्राम. म्यूसिस के दो पार्ट होते हैं, उसमें सिर्फ हमें इस म्यूसिस 1 को एक्सप्लेन करना है कि उसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं और डायग्राम की मदद से. सो म्यूसिस 1 के मैं आपको कहूँगा ये डायग्राम ड्रॉ करना है. म्यूसिस 1 का फर्स्ट स्टेप होता है प्रोफेज 1 और उसके 5 सब स्टेप्स होते हैं, यानी प्रोफेज के अंदर भी कुछ 5 स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आता है लैप्टोटीन. लैप्टोटीन में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन नेटवर्क है उसको सुलझा दिया जाता है और हमें अलग अलग क्रोमोसोम्स मिलते हैं. जाइगोटीन में क्या होता है, फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर अप हो जाते हैं और होमोलोगस पेयर या बायवेलेंट पेयर कहलाते हैं वो. पैकेटीन में क्या होता है, जो बायवेलेंट है वो अगेन पेयर्स बना के टेट्रेट्स तैयार करते हैं. डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी फादर और मदर सेल्स के बीच में, क्रोमोसोम्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है उसके अंदर. डायकिनेसिस के अंदर स्पिंडल फाइबर्स तैयार होते हैं. तो ये 5 सब स्टेप्स हैं, ये सब फेजेस हैं ऑफ प्रोफेज. उसके बाद वी हैव मेटाफेज. मेटाफेज के अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर तैयार हो रहा होता है डायकिनेसिस के अंदर, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी कि सेल के बीच में जमा करते हैं. एनाफेज के अंदर क्या होता है कि वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑपोजिट पोल्स में कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. और टेलोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि हमारे पास दो डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं और दोनों के पास हमारे पास हैप्लॉइड नंबर होते हैं. हैप्लॉइड का मतलब है कि उनके जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो हाफ हो चुके होते हैं. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस डिटेल्ड आंसर्स के जो हम लोगों को कवर करने थे ऑफ चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल. अल्लाह हाफिज़.